रहमाना रहीम वॉट इज़ क्लियरेंस ऑफ अड्रग द वॉली प्लाज्मा फ्राम विच द ड्रग इज कम्प्लीटली रिमूवड इन यूनिट टाइम ठीक है वो वॉलीम ऑफ प्लाज्मा ठीक है ना या वो थेरेप्यूटिक वॉलीम ऑफ प्लाज्मा जिसमें से एक ड्रग जो है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका होता है इन सर्टन यूनिट टाइम ठीक है अब क्लियरेंस uh, का फार्मूला क्या है दैट इज द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ अ ड्रग ईडेड बाई द प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ठीक है अगर आपसे क्वेश्चन आ सकते रेट ऑफ एलिमिनेशन पे भी तो उसमें आप क्या करेंगे कि आप यू विल बी मल्टीप्लाइंग क्लियरेंस ठीक है विद द प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन ठीक है अच्छा इसके अलावा उन्होंने बताया कि व्हाट आर व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एलिमिनेशन या जो क्लियरेंस है ठीक है वो दो फैक्ट मतलब दो तरह की होती है एक होती है फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस ठीक है जिसमें हम फर्स्ट ऑर्डर कैनाटिक्स फॉलो करते हैं ठीक है फ्लो मतलब ब्लड फ्लो डिपेंडेंट ठीक है ब्लड फ्लो डिपेंडेंट ठीक है और एक होती है कैपेसिटी डिपेंडेंट अब ये जो आपके पास ब्लड फ्लो डिपेंडेंट क्लियरेंस होती है ना ठीक है इसमें क्या होता है कि एक ठीक है अब इसको अगर हम फार्मूला से रिफ्लेक्ट करें ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ़ द ड्रग इंक्रीज़ होता जाता है ठीक है ना आपका रेट ऑफ़ एलिमिनेशन भी इंक्रीज़ होता जाता है ठीक है जिसकी वजह से आपकी जो क्लियरेंस होती है वो कॉन्स्टेंट रहती है ठीक है और ये ब्लड फ्लो डिपेंडेंट क्या है कि ये डिपेंडेंट होता है अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज़ गोइंग टू दैट रिमूविंग ऑर्गन ठीक है एलिमिनेटिंग ऑर्गन फॉर एग्जाम्पल किडनी के पास ठीक है ज़्यादा प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग जा रही है तो किडनी उतना ही ज़्यादा उसको एलिमिनेट कर लेगा ठीक है यानी कि ओवरऑल द फैक्टर विल रिमेन द फ्रैक्शन ऑफ क्लेरेंस विल रिमेन कॉन्स्टेंट जबकि एक होती है हमारे पास कैपेसिटी डिपेंडेंट ठीक है ये जो कैपेसिटी डिपेंडेंट होता है ये वो ड्रग्स होते हैं दैट आर एलिमिनेटेड विद जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ठीक है इसमें क्या होता है कि जो आपका एलिमिनेशन रेट है ना वो रहता है कांस्टेंट मतलब कि सपोज uh, अगर आपके पास प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ होगी लेकिन uh, ये जो आपके पास क्या है रेट ऑफ एलिमिनेशन है दैट इज़ ऑलवेज़ कांस्टेंट एक कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विल ऑलवेज बी एलिमिनेटेड ठीक है कॉन्स्टेंट फ्रैक्शन ऑफ ड्रग विल ऑलवेज भी एलिमिनेटेड जैसे कि हमने हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर कैनाटिक्स में पढ़ा तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे हम लोग क्लियरेंस के रेफरेंस से पढ़े हैं ठीक है कि उसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन आपके पास हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा दो क्लियरेंस इज नॉट कॉन्स्टेंट इन दिस केस ठीक क्लियरेंस का ओवरऑल फ्रैक्शन है दैट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट ठीक है वॉट इज़ द यूनिट ऑफ क्लियरेंस ठीक है दैट इज़ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम ठीक है विच इज़ एक्चुअली वॉल्यूम पर किलोग्राम ठीक है अब क्लियरेंस का एक और फार्मूला भी है ठीक है उसको मैं डिस्कस करना चाहती हूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आ, कोई ऐसा डिजीज़ हो जाए ठीक है किडनी डिजीज़ हो जाए शॉक की कंडीशन हो ठीक है या रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो तो इस केस में आपके पास क्लियरेंस कम हो जाती है ठीक तो है तो टॉक्सिसिटी के चांसेस होते हैं ठीक है अच्छा यहाँ पे जो इन्होंने फार्मूला लिखा है ये बेसिकली इन्होंने रेट ऑफ एलिमिनेशन का फार्मूला लिखा है रेट ऑफ़ एलिमिनेशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ दिस इज़ माई किडनी किडनी के अंदर एक आर्टरी जा रही है और दूसरा हमारे पास क्या आ रही है जी ब्लू से शो करते हैं ये आ रही है वेन ठीक है हमें कैसे पता चलेगा कितनी क्लियरेंस हो रही है वो इस तरीके से कि ये जो आर्टरी के अंदर आ, जो ब्लड था और वेन के अंदर ब्लड था उन दोनों में डिफरेंस देख लूँगी डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना ठीक है ब्लड फ्लो क्यू इज़ एक्चुअली फॉर ब्लड फ्लो एंड A जो है दैट इज़ बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन इन साइड द आर्ट्री एंड वी इज़ बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ड्रग इन द वेन ठीक है ना ये मैंने मल्टीप्लाई लिख दी बीच में ये दिस इज एक्चुअली माइनस ठीक है आपने इन दोनों इन दोनों फैक्टर्स को आपने माइनस कर लेना है डिवाइडेड बाय द ओवरऑल पूरी प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ठीक है क्यू को हम कॉमन ले लें सी ए ठीक है डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा ठीक है अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ठीक है ना डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ठीक है ना इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशियो बी कहते हैं ठीक है ये वो जो पूरा फैक्टर है इसको हम लोग एक्सट्रैक्शन रेशो कहते हैं एक्सट्रैक्शन रेशो क्या है कि कितना कोई भी ड्रग मेटाबलाइज हुआ है ठीक है एक्सट्रैक्शन रेशो क्या है कि वट इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ मेटाबलिज्म ऑफ अ ड्रग कितना मेटाबोलाइज हुआ है ठीक है उनकी कॉन्सेंट्रेशन को आपने कंपेयर करना होता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट टाइम तो, तो क्लियरेंस को हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्लियरेंस इज इक्वल टू ब्लड फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द एक्सट्रैक्शन रेशो कि ब्लड फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द एक्सट्रैक्शन रेशो इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर क्लियरेंस तो क्लियरेंस का ये वाला जो फार्मूला है ठीक है इस फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं ठीक है आपके कैटजन में ठीक है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाई प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन तो ये देख लें इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बताया है डेटा uh, में क्या है इन्होंने बताया कि ये जी ये आपके पास क्लियरेंस है ठीक है और आपने क्या कैलकुलेट करना है यू हैव टू नहीं ये क्या है इवन दो चॉइस ए ठीक है अच्छा पूरा क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ लेंगे ठीक है इसमें यहाँ पे वो ये रेट इन इज़ एक्चुअली द रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सन्ट्रेशन ठीक है और यहाँ पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है जो काम की है ना वो ये है कि आपने ना अगर सपोज उन्होंने आपको लिखा हुआ है कि फाइव हंड्रेड है दैट इज़ गिवन ट्वाइस ठीक है ना इन 24 फोर आवर्स तो आप उसको थाउजेंड कर लेंगे ठीक है थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर आवर्स ठीक है डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सनट्रेशन ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन है ठीक है बिल्कुल वही फार्मूला है ठीक है अगैन क्लियरेंस ठीक है जिसमें हमारे पास क्या है रेट ऑफ एलिमिनेशन डिवाइडेड बाय द प्लाज्मा कॉन्सन्ट्रेशन ठीक है ये आपके पास आ गया रेट ऑफ एलिमिनेशन ठीक है ना अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि वी हैव टू कैलकुलेट द प्लाज्मा कॉन्सन्ट्रेशन ठीक है क्लियरेंस आपको गिवन है ठीक है क्लियरेंस है आपके पास सिक्स फोर्टी ठीक है तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ सकता है